एसपी आरएलडी की रैली के दौरान सहारा समय संवाददाता धीरेंद्र सिंह ने एसपी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल से खास बातचीत की है। वो रैली में जुटी भीड़ को देखकर काफी खुश नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश जनता अब बदलाव का मन बना चुकी है और अखिलेश यादव के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। इस मौके पर अखिलेश यादव के आइसोलेट होने और रैली में शामिल नहीं होने पर उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता का आशीर्वाद उनके साथ है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है नरेश उत्तम जी, इनसे ही बात करते हैं। जिस तरह से आज जन सैलाब उमड़ा है, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन की रैली थी यहाँ पे इलास में, आज जो भीड़ उमड़ी है तो क्या कहें। किसानों के मसीहा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का जन्म दिवस है। किसान दिवस के रूप में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन मना रहा है। पूरे देश में चौधरी चरण सिंह जी को याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं और चौधरी साहब की नीतियों पर चलने का सब लोग संकल्प रहे हैं। जिस तरीके से इगलास में लाखों लोग आए हैं उन सभी का धन्यवाद करते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी और पश्चिम से ही उत्तर भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। सर, जैसे कोरोना से आइसोलेट हुए इसके बाद यहाँ लोगों में एक मायूसी या कार्यकर्ता हो तो क्या कहेंगे? शीघ्र आएंगे माननीय अखिलेश यादव जी और उनका संदेश आया वो आपके सामने आएगा। अच्छा, एक चीज अध्यक्ष बताइए, जिस तरह गठबंधन हो गया दोनों पार्टियों के बीच में तो इसका सीटों का बंटवारा कब तक होगा? जैसे ही सूचना जारी होगी वैसे ही आपके सामने पिक्चर साफ हो जाएगी। क्या लगता है कि जो दोनों पार्टियों का गठबंधन हुआ उसको आप क्या मानते हैं, कितना मजबूत मानते हैं? बीजेपी गठबंधन सफल होगा इस बार, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार बनेगी। कहीं ना कहीं ये थे हमारे साथ यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन हुआ इनके द्वारा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल है, इनके द्वारा कहा गया है कि जो जनसैलाब यहाँ इगलास की रैली में उमड़ा है उससे साफ दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं कि आज जो भीड़ आई है उससे कहीं ना कहीं जो है दोनों जो दलों के नेता काफी गदगद है। भले ही आज अखिलेश यादव ने कोरोना के चलते अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, लेकिन इन नेताओं का दावा है कि निश्चित ही 2022 में अपनी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन की सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन प्रकाश सिंह के साथ सहारा समय के लिए धीरेन्द्र सिंह, अलीगढ़, इगलास।